मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि दुनिया में संज्ञा दे दी जाती है, नाम दे दिया जाता है। अगर किसी के बीच में गहरा प्यार रहता है, गहरा मेल झोल होता है, मिलने के लिए जाता है, तो कह देते कि हो तेरा ही हो गया भरत मिलाप। तो हमारे गुरुजी ने वही भरत मिलाप का एक किस्सा लिखा, और किस्से की शुरुआत कहां से की कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न भरत की, सबकी शादी हो जाती है। भरत और शत्रुघ्न वो अपने मामा के यहां पर गए हुए हैं, वो अपने मामा के यहां पर गए हुए हैं भरत और शत्रुघ्न। उधर राजा दशरथ ने मुहूर्त निकलवाया कि रामचंद्र जी को राज तिलक करना है, तो कब का सब शुभ मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त बहुत जल्दी का निकला। भरत और शत्रुघ्न को बुलाने का भी अवसर नहीं मिल पाया। राजा दशरथ ने राज तिलक की तैयारियां कर दी, और उधर रानी केकई को दासी मंथरा ने ये कह करके कि अगर राम को राज तिलक हो गया तो तेरा बेटा भरत तो रह जाएगा, यूं ही दास बन करके रहेगा, तो क्या करूं, करो ये, तुमने एक जीत राजा दशरथ को दिलाई, और तुम्हें एक वचन के लिए कह रखा है राजा दशरथ ने, तुम अपने उस वचन को मांग लो। रानी केकई उस दासी की बातों में आकर के और राजा दशरथ के पास में पहुंची, और जाकर के कहने लगती कि महाराज मेरा एक वचन है आपके पास में। राजा दशरथ कहते कि हाँ बिल्कुल है रानी, ऐसे शुभ अवसर पर अपने वचन को पूरा करवा लीजिए, रामचंद्र को राज हो रहा है और तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, बताइए आप क्या चाहती हो। रानी केकई कहने लगती है कि महाराज मेरा ये वचन तब पूरा होता है जब राम को तो 14 साल के लिए वनवास कर दिया जाए और मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिल जाए। इस बात को सुनते ही राजा दशरथ सेम डेम रह गए कि रानी तूने ये मुझसे क्या मांग लिया, मेरे दिल के सारे अरमान तूने चकनाचूर कर दिए, मैं प्राणों से प्यारे रामचंद्र को कैसे 14 साल के लिए वनवास पर भेज दूं, लेकिन वचन पूरा करने की बात थी तो राजा दशरथ रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास देते हैं और भरत के लिए राजगद्दी लिख दिया अयोध्या की। रामचंद्र जी वनवास के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ निकल पड़े, और उधर पुत्र वियोग में क्यों, क्योंकि जिस समय राजा दशरथ के हाथ से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी तो श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि एक दिन पुत्र वियोग में तू भी हमारी तरह रो रो करके प्राण त्याग देगा। हुआ यही, वही श्राप पूरा होता है, राजा दशरथ पुत्र वियोग में, रामचंद्र के वियोग में रो रो करके अपने प्राण त्याग देते हैं, मृत्यु हो जाती है। साथियों आज क्योंकि कुछ दिन के बाद में, 2-4 रोज बीतने के बाद में भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या में आए हैं, लेकिन जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में आते के साथ उनको वहां की रौनक, वहां की रूहानी खत्म दिखाई दी, और किस तरह का माहौल दिखाई दिया इस बात को देख करके कुछ अपशकुन होते हुए दिखाई दिए, तो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से वो भरत किस तरह से क्या कहते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। Oh!
बोल रहे क्यों काले कहा गए अयोध्या में। हे भाई शत्रुघ्न, मेरा जीसा घबरा रहा है, मुझे कुछ इस तरह की अनहोनी होती हुई नजर आ रही है, कैसे आ रही है, क्या कह रहे बोला। सितारे जड़े हुए
कपड़े ना धुआ आग अयोध्या में भोजन की जगह भोल रहे क्यों काले काक अयोध्या में हो काले काक अयोध्या में ये बात है ₹100 से सम्मान बढ़ा रहे हैं। ₹100 आदरणीय मनोज बैसला जी कुसलीपुर वो भी दे रहे हैं। ₹100 हमारे आदरणीय मामा जयवीर पहलवान जी जुनेदपुर से वो भी दे रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय हैं। जी हां, एडवोकेट श्री राजकुमार नागर जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर, जिनकी तरफ से ₹11,000 सम्मान के रूप में दिए गए हैं। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। परमात्मा 1000 गुना उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। हम उनका तहदिल से धन्यवाद करते हैं। बार बार धन्यवाद। भरत और शत्रुघ्न का रथ आकर के द्वार पर रुक गया और द्वार पर रथ रुका तो वहां पर कौन आए हैं उनको उतारने के लिए, उनका आरता करने के लिए कौन पहुंचे, कैसा उनका सम्मान हो रहा है कि आज तो मंत्री संतरी सब मुंह लटकाए खड़े, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मन ही मन में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे लोग हमें गाली दे रहे हो। क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं अपने भाई से।